चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर. तो टाइटल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर है. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं 2 से 3 आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, या ये बोल सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहती हूँ. तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कभी भी अपने फर्नीचर को पेंट मत करिएगा खुद से. यस, ये मैं बोल रही हूँ, बिकॉज मैंने एक्सेप्ट दिस टीवी यूनिट का जो टीवी यूनिट भी पूरा मैंने कभी भी पेंट नहीं किया था. अगर आपने देखा हो, मैं चाहती तो जब मैं मेकओवर करी थी तो मैं पूरा टीवी यूनिट पेंट कर सकती थी, बट मैंने सिर्फ इसका जो टॉप काउंटर है वही पेंट किया था, क्योंकि वो बिल्कुल भी काम में नहीं आता है. उसके ऊपर कुछ भी पानी की चीज़ या कुछ भी ऐसे गीला जो है वो, मतलब पोंछने के लिए भी मुझे गीला कपड़ा यूज़ नहीं करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने उसको पेंट किया है. बाकी कोई चीज़ मैंने अपने घर में पेंट नहीं करी, एक्सेप्ट पेंटिंग वगैरह, उसके बाद फ्लावर पॉट्स, ये सब अलग चीज़ें हैं. बट महंगे फर्नीचर को कभी भी पेंट मत करिएगा, आपका जो फर्नीचर है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा. बिकॉज़ क्या होता है, आप चाहे ऑयल पेंट यूज़ करो, आप कितना भी कॉस्टली पेंट यूज़ करो, शॉप वाले भैया आपको कितना भी बोल दे कि ये पेंट आप यूज़ कर सकते हो, बट ट्रस्ट मी 6 to 7 मंथ्स बाद आपका फर्नीचर कहीं का नहीं बचेगा. ना तो वो वाइट बचेगा उसके ऊपर, ना तो वो आप वो पेंट निकालना चाहोगे तो वो पेंट निकलेगा नहीं, और वो फर्नीचर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा आपको आपका. तो इतने महंगे फर्नीचर को ख़राब ना करें. आप विनाइल शीट्स लगा सकते हो, डेफिनेटली आप उसके ऊपर वॉलपेपर्स जो आते हैं वो कलरफुल चिपका सकते हो, बट पेंट मत करिएगा आप. या तो चाहो तो आप उसकी पूरी पूरी प्लाई चेंज करवा दो, क्योंकि जो हम लोग नॉर्मली पेंट करते हैं वो एक नॉर्मल पेंट होता है, और जो कारपेंटर्स होते हैं उन लोगों के पास एक वैक्स कोटिंग होती है हर पेंट के ऊपर, वो लोग वैक्स कोटिंग करते हैं. वो वैक्स कोटिंग हम लोग घर पे नहीं कर सकते क्योंकि वो कुछ बड़ी मशीन से होता है. तो इसके वजह से मैं आपको ये बोल रही हूँ कि कभी भी अपने फर्नीचर को ये देख करके कि मैंने वाइट किया है, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर मेरे घर में वाइट ही आया है, कुछ जो बचा था उसको मैंने विनाइल शीट लगा दिया है, बाकी मैंने वाइट पेंट नहीं किया है. मैं आपको ये बताना, बिकॉज अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ. उन्होंने अपना जो टीवी यूनिट है उसको पूरा वाइट पेंट कर दिया और फिर उसमें पानी लगाया तो उसके जो पपड़ियाँ हैं वो निकलना स्टार्ट होगी, जबकि शी यूज ऑयल पेंट तो भी उसकी पपड़ियाँ निकलना स्टार्ट हो गई. तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कभी भी इन सब चीज़ों पर पेंट नहीं किया है, ये सब विनाइल शीट्स लगाई हैं, और या तो मैंने प्लाई चेंज करवाई है या उनका ओरिजिनल कलर ही वाइट है. तो यस, ये था पहला चीज़. सेकेंड, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो पहले ऑलरेडी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन वीडियो बना चुकी हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल का, तो उस ऑर्गेनाइजेशन वीडियो में मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे, नेगेटिव कमेंट तो नहीं बोलूँगी मैं उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वाई यू आर वेस्टिंग सो मच ऑफ मनी और आप अपने पति का पैसा वेस्ट करती हो. तो मैंने उन लोगों को रिप्लाई देना ज़रूरी है समझा, बिकॉज आई एम नॉट द पर्सन जो अलग से एक नेगेटिविटी के ऊपर वीडियो बनाए इन लोगों के कमेंट के ऊपर. रेदर देन उन लोगों पे ध्यान देने से ज़्यादा बेटर मैं पॉजिटिव कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ. लेकिन मैं इसमें ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगी ताकि आगे कोई करे ना, या उनको मैं बता दूँ, फिर भी वो करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम. तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो भी शादी से पहले जो भी कॉस्मेटिक खरीदा हुआ था, मोस्टली जब से मेरी जॉब लगी है सब चीज़ आई परचेस्ड बाय माय ओन अर्नड मनी, और शादी के बाद भी जो मैंने अपना मेकअप का सामान खरीदा है मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई परचेस्ड बाय माय ओन मनी, अंटिल और अनलेस जैसे कोई मेकअप का किट है वो मुझे विक्की ने गिफ्ट किया है बर्थडे पे, या एनिवर्सरी गिफ्ट किया है, ऐसा कुछ गिफ्ट है, 2-3, 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जो गिफ्टेड हैं, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें आई हैव परचेज माई ओन अर्नड मनी. तो और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं अपने पति के पैसे से खरीद भी रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर किसी और थर्ड पर्सन को तो प्रॉब्लम होने का सवाल ही नहीं पैदा उठता है, राइट? तो ये था मेरा सेकंड डिस्क्लेमर. और अभी आते हैं मेरे थर्ड डिस्क्लेमर पे. तो थर्ड डिस्क्लेमर ये था कि मुझसे लास्ट वीडियो में लोगों ने नीचे कमेंट करा था, ज़्यादा तो नहीं आए थे पर 3 से 4 कमेंट आए थे कि हाँ आपने अपने हस्बैंड के लिए तो एक भी जगह ही नहीं छोड़ी है. तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो हस्बैंड है वो बिल्कुल भी मेकअप के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करता है, मेकअप मतलब बिल्कुल भी मेकअप के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करता है ना वो. हो सकता है आपके हस्बैंड यूज़ करते हो, बट मेरा हस्बैंड डू नॉट लाइक टू यूज़ एनी मेकअप प्रोडक्ट, मतलब सिर्फ वो फेस वॉश यूज़ करता है और वो डीओ यूज़ करता है. तो फेस वॉश का हमारे पास एक अलग से सेक्शन है जहाँ पे मेरे और हम दोनों के फेस वॉशेज रखे हुए हैं, और डीओ के सेक्शन में एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पर मैंने विक्की का डीओ का सेक्शन अलग से दिया हुआ है, उस वीडियो में भी दिया था और अभी भी वही सेक्शन वो विक्की का ही है. इसके अलावा ना तो वो लिपस्टिक यूज़ करता है, ना ही वो काजल यूज़ करता है, ना ही वो फेस पाउडर यूज़ करता है, ना ही फाउंडेशन यूज़ करता है. तो येस, दैट्स वाई मैंने अपने हस्बैंड को कोई जगह नहीं दी है. तो ये थे मेरे तीनों डिस्क्लेमर जो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए. तो अभी हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. तो ये है बिफोर मेकओवर मेरा एक ड्रेसिंग टेबल का टूर. तो आप ये देख लीजिए, इस तरह से दिखता है मेरा ड्रेसिंग टेबल, मतलब दिखता था जब मैंने मेकओवर नहीं किया था वो वाला.
उसके बाद आते हैं जो मैं लाइटिंग्स लगाने वाली हूँ, वो इस तरह से दिखती हैं। मैंने इन पाइप पे होल करके इस लाइट की फिटिंग करी है। ये सब हम लोगों ने घर पे ही किया है, मेरे हस्बैंड ने किया है। एंड पहले ये पाइप एक्चुअली वाइट ही था, बट क्योंकि मुझे ब्लैक चाहिए था तो मैंने ब्लैक पेंट किया। अब मुझे वाइट चाहिए तो अब मैं फिर से उस पर वाइट पेंट कर रही हूँ। तो और जो बल्ब्स हैं वो ऑलरेडी वाइट हैं तो उनको मुझे पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो बल्ब हैं ये अगेन एलईडी लाइट्स हैं जो कि 450 टू 500 की पर पीस पड़ता है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है बट काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है। मैंने अभी पूरा जो है क्लीन कर रही हूँ ड्रेसिंग टेबल को और पूरा खाली कर लिया है इसको, क्योंकि मैं विनाइल शीट्स लगाने वाली हूँ। और ये मैंने bangoo.com से मंगवाई थी शीट, तो इसका मैं नीचे लिंक आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब मैं पूरा प्रॉपरली पहले मेजर करूंगी इसको लगाने के लिए। आपको मेजर करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली कट करना पड़ता है, अदरवाइज फालतू में ये वेस्ट होगा। तो इस शीट को प्रॉपरली एकदम आराम आराम से आपको करना होगा, थोड़ा पेशेंस चाहिए रहेगा। 2 से 3 दिन लगता है ये पूरा काम करने में, अगर आप दिन भर बैठोगे तो 1 दिन लगेगा। एंड फिर ये रोलर की हेल्प से ताकि इसमें कोई भी बबल्स ना आए, ऐसे मैं लगा रही हूँ। तो आप देखिए किस तरह से मैं लगा रही हूँ, बिल्कुल हाथ टाइट करके आपको लगाना है, मतलब एकदम खींच करके। एंड छोटे छोटे पार्ट्स में लगाएंगे तो आपके जो भी आप विनाइल शीट लगाओगे उसमें बबल्स नहीं आएंगे और वो ऐसा लगेगा कि जैसे फर्नीचर का ही एक्चुअल कलर है, मतलब वो शो भी नहीं करेगा कि आपने कुछ लगाया है ऊपर से। उसके बाद स्क्रूअर की हेल्प से मैं ये हैंडल निकाल रही हूँ, बिकॉज वो जो हैंडल है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था लगाने के लिए, तो मैंने ये जो हैंडल है वो निकाल लिया ताकि ये पूरा एक प्लेन लकड़ी हो गया और इजीली लग जाएगा। प्लीज़ अवॉइड दैट अंदर का मैस, वो मैं अभी जमाने वाली हूँ फिर से। तो देखिए आप कैसे छोटा छोटा पार्ट करके और उसको मैं ये टाइट हाथों से रोलर घुमा रही हूँ ताकि वो कोई भी बबल्स उसके अंदर एयर ना आए। तो ये रेडी हो गया और देखिए कितना ग्लॉसी एंड शाइनी लग रहा है। अंदर की तरफ मैंने कुछ भी वाइट नहीं किया है, ना ही पेंट किया है। एक्चुअली सब स्टिक किया हुआ है, स्टिकर्स हैं, तो जब मेरा मन करेगा तो मैं इसको निकाल सकती हूँ, बट अगर मैं पेंट कर दूंगी तो वो प्रॉपरली होगा नहीं। और मेरे पास सिर्फ इतना ही स्टिकर बचा था कि वो उसने सिर्फ ड्रेसिंग टेबल को कवर कर लिया है, तो इसलिए मैं अंदर कुछ नहीं करने वाली हूँ। इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स मैं लेकर के आई हूँ डीमार्ट से और मुझे ये मिला था 99 रुपीज का, तो ये काफी अच्छे हैं। आप अपने क्रीम्स वगैरह इसमें जमा सकते हो इजिली, तो वो मैं रख रही हूँ यहाँ पर। मैं अपने मेकअप ब्रशेस जो हैं वो ऐसे इस तरह के बॉक्स के अंदर स्टोर करके रखती थी, बट ये मैंने खुद ही बनाया था। ये परफ्यूम का बॉक्स है, सॉरी ये परफ्यूम का बॉक्स है और ये नायका का डब्बा है एंड ये एक वाटर बॉटल है। तो मैंने ये बहुत अच्छा मैंने ये बनाया था और काफ़ी अच्छा इसमें स्टोरेज बहुत ईजिली हो जाता है। बट अभी मैं इसको चेंज कर रही हूँ और उसके जगह पर मैं इस तरह के स्टोरेज कंपार्टमेंट्स का यूज करने वाली हूँ। काफी स्टर्डी है ये। तो बाकी के बचे हुए ब्रशेज हैं वो मैंने इस तरह से ग्लैम इको के बॉक्स में ऐसे रख दिए हैं, तो ये रहे मेरे सारे बचे हुए ब्रशेज, तो इनको मैं यहाँ रख दूंगी। राइट, आई हैव वन मोर ग्लैम इको का बॉक्स, इसमें मैंने अपनी जो बची हुई लिपस्टिक्स हैं जिनको मैं इतना यूज नहीं करती हूँ वो सब मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं, और वो भी मैं इधर ही रखूंगी ताकि एक्सेस इजी रहे। है ये एक पाइप है जो कि हम लोगों ने स्टिक किया है, एक एडहेसिव ग्लू आता है जो लकड़ी स्टिक करने का होता है, तो वो 1200-1300 का आराम से मिल जाएगा लोकल स्टोर पे, तो उससे हम लोगों ने इसको ये इस पे स्टिक किया है। और इसके अंदर जो है वायरिंग करी हुई है, ये सब हम लोगों ने खुद से घर पे किया हुआ है। एंड ये हम लोगों ने बल्ब लगाए हैं, दिस इज़ फ्रॉम फिलिप्स, ये फिलिप्स पे मिलते हैं इस तरह के बल्ब्स। फॉल सीलिंग बल्ब्स बहुत तरह के आते हैं, तो आपको जिस भी डिज़ाइन का चाहिए आप वो ले सकते हो। आप पीछे देखो तो यहाँ पर पूरा कनेक्शन है इसका, जो कि यहाँ से नहीं दिखता है, ऐसा नॉर्मली दिखता है ये। तो ये है अभी, तो ये हम लोगों की सोल्डरिंग रॉड्स हैं, ये 200 इसके थ्रू हम लोगों ने पूरा जो लाइटिंग है वो उसका काम किया है। तो ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, बट ये आप तभी परचेस करिएगा जब इससे आपको काम करना आता हो, बिकॉज ये थोड़ा सा रिस्की है और बहुत ध्यान से करना पड़ता है। तो ड्रेसिंग टेबल जो है ये पूरा ऑर्गेनाइज हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा ऊपर से नीचे तक।
अब मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ सारी चीजें. तो ऊपर वाले सेक्शन में एज यूजुअल मेरे सारे डियोज एंड परफ्यूम्स रखे हुए हैं. ये वाला सेक्शन मेरे हस्बैंड का है गाइज, मेरे हस्बैंड का ये सेक्शन है. फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर मेरी सारी लिपस्टिक्स मैंने जमा करके रखी हैं इस तरह के बॉक्सेस में. अच्छे से लिपस्टिक्स आ जाती हैं और सेक्शन बाय सेक्शन आ जाती हैं. फिर उसके बाद इस वाले सेक्शन में अगेन मैंने अपनी लिपस्टिक्स जमा के रखी हैं इसमें मोस्टली. और फिर पीछे के सेक्शन में सारे ब्रशेज हैं, जो यूज़ के ब्रशेज हैं वही हैं. फिर उसके बाद यहाँ पर जो डेली यूजेस के आप बोल सकते हो चीज़ें आती हैं, सेरम वेरम एंड नाइट क्रीम्स और रोल ऑन्स और बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं. यहाँ पर फेस पैक्स बोल सकते हो आप, फेस पैक है और बॉडी लोशन है, बॉडी वॉश है, ऐसी बहुत रैंडम स्टफ है. उसके बाद आते हैं यहाँ पर. तो ये मेरा डेली यूज का जो भी सामान है, जैसे मुझे कभी मार्केट वार्केट पास में जाना होता है तो मैं सिर्फ पॉन्ड्स बीबी क्रीम लगाती हूँ, देन लिप बाम है, सनस्क्रीन है, जो ब्रशेज मैं ज्यादा यूज करती हूँ वो है. फिर यहाँ पर जो डेली यूज का सामान होता है, जैसे कि मतलब बहुत ही रैंडम सा स्टफ है, ये चारकोल नोज मास्क है, ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही मंगवाया है, देन आईलैश कर्लर है, माय बॉडी लोशन है, फेस लोशन है, यहाँ पर कॉटन रखी हुई है, मतलब ऐसे करके मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है मेरा. अभी आते हैं इसके ऊपर वाले स्टफ में. तो यहाँ पर ये है रूम स्प्रे, उसके बाद ये है बॉडी लोशन, देन ये क्लेंजर और ये मेरा टोनर, एक छोटी सी ग्रीनरी मैंने यहाँ पर सजा के रखी है. फिर इसके फर्स्ट सेक्शन में आएंगे तो जैसे मैंने अभी दिखाया था सब मेरा फेस का सामान, मेकअप का सामान रखा हुआ है. इस सेक्शन में पूरा फेस का सामान जमाया हुआ है मैंने. देन इस सेक्शन में मेरे सारे जो बॉक्सेस में आते हैं, सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस में आता है, फेशियल किट्स हैं सब, और ब्लीच किट्स हैं, ब्लीच में इतना यूज़ नहीं करती हूँ तो ब्लीच किट्स हैं. फिर मेरे वाइप्स हैं, बेबी वाइप्स हैं, तो ऐसे सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं. इस वाले में आएंगे सेक्शन में तो मेरी सारी वॉचेस रखी हुई हैं और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सामान है, मेरी इमरजेंसी लाइट है और चार्जर्स रखे हुए हैं. इस वाले सेक्शन में मेरे सारे हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर है और कर्लिंग रॉड एंड ये सब रखा हुआ है. ये वाला सेक्शन खाली है क्योंकि इतना सामान अभी है नहीं. एंड इस सेक्शन में भी ऐसी नॉर्मल सा स्टफ रखा हुआ है. तो यही था मेरा वीडियो. आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. एंड मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय. तुम अपने पैसे का पति बोल रही थी मैं.